मैं ते मेरी सारी टीम वालों सारे मुस्लिम भाई कह रहे हो ईद की लख लख मुबारकबाद देना हाँ, बहुत बहुत बधाई देना हाँ, ईद मुबारक। मैं फलजिंदर रत्तू अज फैन डॉक्टर अंबेडकर जी के चैनल की टीम जामा मस्जिद राम रोड चुंगी विखे पहुंची है और साडे नाल ने जमील अहमद जी। सो अज ईद के दिन से तुसी की कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो यह है कि ईद जो है एक खुशियों का त्यौहार है जो सभी देशवासियों को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूं और खास करके जो आज हमारी टीम आई है इस टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। खास करके ईद जो है एक मिलन की चीज है जो सभी समाज के लोगों को आपस में मिलाती है, इसी को ईद कहते हैं। इससे भाईचारगी बढ़ती है, ये ईद जो है एक मीठी ईद कहलाती है जो एक महीना बराबर 30 दिन के रोजे रखने के बाद में एक ऐसी खुशी देती है कि जो सभी लोग इकट्ठा होकर इसको इकट्ठा ईद मनाते हैं। तो भाई ये जामा मस्जिद राहों रोड चुंगी मदनी मस्जिद नाम है इसका, मदनी जामा मस्जिद। माशाल्लाह 10,000 लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की जो बहुत बड़ा मजमा होता है और इस मजमे को आज देखकर पूरा रोड जाम भी था क्योंकि खास करके लुधियाना के मुसलमानों को एक ईदगाह की सख्त जरूरत है। जो हम बार बार पंजाब सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि ये चीज हमें जरूर चाहिए क्योंकि हमें रोडों पे नमाज ना पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर हमारे पास ईदगाह होगी तो हमें नमाज रोड के ऊपर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे खास करके जो पंजाब सरकार है इससे दरखास्त यही है कि हमारे लिए एक ईदगाह मुहिमा कराई जाए जिससे कि लोगों को रोड पर नमाज ना पढ़ने की जरूरत पड़े। तो भाई मैं सभी को खास करके पंजाब के लोगों को ईद की खास मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान, खुदा हाफिज। सो साडे नाल ने अज मुख मेहमान जतिंदर सिंह जिंदी जी जो ईद के त्यौहार के टाइम इन्हां दे विच विराजमान ने। सो इन्हां तों भी असी ईद बारे की विचार देंगे साडे चैनल ते इन्हां तों। मैं सतगुरु रविदास धर्म समाज सरप्रस्त होने के नाते सारे ही मुस्लिम भाईचारे ईद की लख लख मुबारकबाद देना सारे नूं एक संदेश देना चाहुंदा हाँ कि सारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई सारे ही भरावां नूं ईद की मुबारकबाद देना हाँ। आपां नूं सारे ही भाईचारे नूं रल मिल के रहना चाहीदा है, सारे ही त्यौहार रल मिल के मनाने चाहिए हैं। ईद मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सुलमानी है, मैं पूरे ही देशवासियों को आज ईद उल फितर के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ समाज को कि एकता भाईचारा बनाने की हमें बहुत सख्त जरूरत है। जैसा आज देश का माहौल बना है कुछ कट्टरवाद की ताकतें एक अत्याचार कर रही हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए खासकर रविदास भाईचारा मुस्लिम समाज को संगठित होकर पूरे भारत देश के अंदर आने वाले 2019 के मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक तरफी वोट पाकर इन कट्टरवादी ताकतों का सफाया करना हमारा संकल्प होगा और पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं आदम एकता फाउंडेशन का चेयरमैन अमरजीत बब्बू सारियां नूं ईद दियां बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा। असीं चाहुंदे हां कि हर साल असीं इसे तरह रल मिल के ईद मनाईए ते होर भी जिन्ने त्यौहार हुंदे आ हिंदुआं दे जां सरदारां दे जां किसे भी भाईचारे दे ते सारे असीं रल के मनाईए। ये ही देश ने एक असी पंजाब गौरमेंट को तकीद करते हैं कि हिंदू भाईचारा मुसलमान भाईचारा जड़ा भी है तेन कट्ठे रहन देना, कोई भी अड़का पाँव जिमें कि परेशान करते हैं, अच कुछ कल कुछ भाईचारे फर्क नहीं पैना चाहिए।
एक सब तो वड्डी गल है कि मुसलमान भाईचारे नूं एक ऐसी जगह देनी चाहीदी है जिथे कि रल मिल के सारे कट्ठे होकर ईद मना लैन। यह सड़कां ते बह के नमाज ना पढ़न, ते सड़कां ते बह के लोगों नूं परेशान ना होना पवे। जे गवर्नमेंट जगह दे दे तो ये रिस्क कोई नहीं।